हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्केप वाला स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिस्ट्री का टॉपिक देखने वाले हैं, जो राजस्थान इतिहास में आपके राजस्थान के प्रमुख राजवंश होते हैं उसमें गुज्जर प्रतिहार राजवंश है, इसके बारे में इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, गुज्जर प्रतिहार काफ़ी छोटा टॉपिक है, लेकिन हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, अगर सिलेबस में आपके हो तो। और क्वेश्चन वही सेलेक्टेड होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जितने भी गुज्जर प्रतिहार से संबंधित क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना बन सकती हैं, उन सभी को बिल्कुल व्याख्या सहित देखेंगे और इसी वीडियो में गुज्जर प्रतिहार पूरा टॉपिक क्लियर कर देंगे। तो वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें, थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके काम का वीडियो है। देखिए, गुज्जर प्रतिहार की शासन अवधि कब से कब तक थी, पहले क्वेश्चन ये बनता है। इन्होंने 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक शासन किया था और इनका गुज्जर प्रतिहार नाम क्यों पड़ा। देखिए, जो गुजरात्रा क्षेत्र है राजस्थान का, भीनमाल से मंडोर तक, इसको गुजरात्रा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था पुराने समय में। भीनमाल कहाँ है, जालौर में। मंडोर कहाँ है, मंडोर है जोधपुर में। यहाँ पर शासन करने के कारण इनको गुज्जर कहा गया था और प्रतिहार नामक, प्रतिहार इनकी जाति या पद का नाम है। प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल और ये अपने आप को लक्ष्मण के द्वारपाल या उन लक्ष्मण के वंशज मानते थे, इसलिए इनका नाम प्रतिहार पड़ा और गुज्जर प्रतिहार इनको कहा गया। और जानकारी के स्रोत कहाँ से मिले हैं गुज्जर प्रतिहारों के, तो देखिए सर्वप्रथम उल्लेख इनका मिलता है कर्नाटक की जो पुलकेशिन सेकंड की एहोल प्रशस्ति है, वहाँ से इनके सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है गुज्जर प्रतिहारों का। और ये एहोल प्रशस्ति कहाँ है, कर्नाटक में। इसके रचयिता कौन है, रवि कीर्ति। इनके अगर विस्तृत उल्लेख की बात करें गुज्जर प्रतिहारों के बारे में, तो इनका विस्तृत उल्लेख मिलता है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति है। ये मिहिर भोज गुज्जर प्रतिहार के ही शासक हुए हैं, तो मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है उनमें इनका विस्तृत उल्लेख मिलता है। और इस प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि प्रतिहार लक्ष्मण के वंशज थे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए किस प्रशस्ति के अनुसार गुज्जर प्रतिहार लक्ष्मण के वंशज थे, तो यह है मिहिर भोज प्रशस्ति ग्वालियर में। और देखिए, गुज्जर प्रतिहारों के संस्थापक के बारे में उल्लेख मिलता है गटियाला अभिलेख जोधपुर में। और इस गटियाला अभिलेख जोधपुर के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों का संस्थापक कौन था, यह था हरिश्चंद्र, जिसको रोहित द्वी भी कहा जाता है, इसका उपनाम है रोहित द्वी। गटियाला अभिलेख के अनुसार हरिश्चंद्र गुज्जर प्रतिहारों का संस्थापक था और गटियाला अभिलेख प्रशस्ति कुकुक द्वारा उत्कीर्ण कराई गई थी। कुकुक कौन है, गुज्जर प्रतिहार का ही एक शासक हुआ है, उसके द्वारा गटियाला अभिलेख जोधपुर को उत्कीर्ण कराया गया था। और देखिए, जो चीनी यात्री, एक चीन का यात्री आया था ह्वेंगसांग, इसका नाम क्या है, ह्वेंगसांग की पुस्तक एक CUK, इसके अनुसार 72 राज्यों का वर्णन किया गया है। और इसी पुस्तक में प्रतिहार राज्य के लिए कुचेलो शब्द व राजधानी भीनमाल के लिए पीला बालो शब्द का उल्लेख मिलता है। यह याद रखना आप, प्रतिहार राज्य के लिए तो इसने यूज़ किया था कुचेलो व राजधानी भीनमाल के लिए पीला बालो शब्द का उल्लेख मिलता है किस पुस्तक में, CUK पुस्तक में, जो किसकी है, चीनी यात्री ह्वेंगसांग की। और देखिए, जो गुज्जर प्रतिहार का संस्थापक माना जाता है हरिश्चंद्र, जिसकी जानकारी किसमें मिलती है, गटियाला अभिलेख जोधपुर में। इस अभिलेख के अनुसार हरिश्चंद्र की दो पत्नियां थी, एक पत्नी थी क्षत्रिय पत्नी जिसका नाम था भद्रा और एक थी ब्राह्मण। और जो हरिश्चंद्र की क्षत्रिय रानी भद्रा थी, इसके चार पुत्रों का उल्लेख मिलता है, भोगभट, दह, रज्जिल व कद्दक। और इन चारों ने मिलकर मंडोर पर विजय की, मंडोर जीता व प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना की और इसको जाना गया मंडोर शाखा के नाम से। देखिए, प्रतिहार वंश में दो शाखाओं का उल्लेख मिलता है, एक भीनमाल या मालवा शाखा और सेकंड है मंडोर शाखा। तो मंडोर साम्राज्य की स्थापना किसने की, ये चार पुत्र भोगभट, दह, रज्जिल व कद्दक, इन चारों ने मंडोर जीता, फिर प्रतिहार साम्राज्य की वहाँ पर स्थापना की। और मंडोर शाखा के एक राजा था, शासक था रज्जिल। मंडोर के गुज्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक माना जाता है, क्योंकि बाद में जो शासक हुए हैं मंडोर शाखा के वो सभी इसी के वंशज माना जाते हैं। तो अगर पूछ ले क्वेश्चन के मंडोर के गुज्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन है, तो ये हैं रज्जिल। और प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन है गुज्जर प्रतिहार के, ये हैं हरिश्चंद्र। और मंडोर के गुज्जर प्रतिहार के रज्जिल।
हम गुज्जर प्रतिहार के जो मुख्य मुख्य शासक हुए हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो रजिल का पुत्र हुआ था उसको नागभट के नाम से जाना गया और इसने अपनी राजधानी बनाई थी मेड़ता को। तो गुज्जर प्रतिहारों के बारे में पूछा जाता है कि किसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी और इनके उपनाम क्या क्या थे, इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मुख्य रूप से भीनमाल शाखा के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो नागभट ने अपनी राजधानी बनाई थी मेड़ता को, मंडोर शाखा का नागभट। अगला शासक था सिलूक, ये 10वां शासक था मंडोर शाखा का। और जोधपुर में जो सिद्धेश्वर मंदिर है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया था? सिलूक ने, मंडोर शाखा का 10वां शासक। और ये जो कुक्कुक शासक था कक्कुक, विक्रम संवत 861 में जो गटियाला शिलालेख है जिसमें गुज्जर प्रतिहारों के संस्थापक का उल्लेख मिलता है, इसी कुकुक ने गटियाला शिलालेख उत्कीर्ण कराया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, गटियाला शिलालेख किसने उत्कीर्ण कराया? कुकुक ने, यह आप ध्यान में रखें। और देखिए, ये तो हो गई अपने मंडोर शाखा, अब बात करते हैं भीनमाल शाखा की। और इसी शाखा से आपके लगभग 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए, भीनमाल शाखा का सर्वप्रथम शासक कौन हुआ था? नागभट प्रथम, इसी ने भीनमाल जीता था और अपनी राजधानी भीनमाल को बनाई थी। और ये पहले कहाँ शासन करता था? मालवा में, और बाद में आया था भीनमाल, इसलिए इसको मालवा या भीनमाल शाखा दोनों नाम से जाना जाता है। और नागभट प्रथम की अगर उपाधियों की बात करें तो इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाते हैं उपाधियों में। नागावलोक, मलेच्छों का नाशक, ये इसकी उपाधियाँ हैं। और मलेच्छों का नाशक इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय जो अरबी आक्रमण हो रहे थे उसको इसने रोकने का प्रयास किया है, उनको अरबियों को बोलते थे मलेच्छ, मलेच्छ नाम से जाना जाता था, तो इसलिए इसको मलेच्छों का नाशक नाम से जाना जाता है। और इसका उल्लेख किसमें मिलता है? ग्वालियर प्रशस्ति है जो मिहिर भोज की, इसमें इसका उल्लेख मिला है नागभट प्रथम का। और इसने अपनी राजधानी बनाई थी भीनमाल, और उज्जैन पर भी कुछ समय के लिए इसने अधिकार किया था, उज्जैन को भी इसने राजधानी बनाई थी। और मेड़ता पर भी कुछ समय के लिए इसने अपना अधिकार किया था। तो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि मेड़ता को कुछ समय के लिए जो राजधानी बनाई थी भीनमाल शाखा का, ऐसा कौन सा शासक था जिसने मेड़ता को कुछ समय के लिए राजधानी बनाई थी? तो ये था नागभट प्रथम। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, नागभट प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ कहाँ बनाई? भीनमाल, उज्जैन व मेड़ता में, तो ये आप ध्यान में रखें। अगला जो प्रमुख शासक हुआ है ये हुआ था वत्सराज। वत्सराज को कहा जाता है प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक। देखिए, संस्थापक के संबंधित तीन क्वेश्चन आ गए, गुज्जर प्रतिहारों का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। मंडोर शाखा राजवंश का संस्थापक कौन था गुज्जर प्रतिहारों में? वो था रज्जिल। और प्रतिहारों का अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो ये था वत्सराज। तो कि तीनों में आप कन्फ्यूज़न नहीं होना है, जो हमने ये देखा था रज्जिल, ये मंडोर के गुज्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक था, और हरिश्चंद्र था गुज्जर प्रतिहारों को संस्थापक। और गुज्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक किसे बोलते हैं? वत्सराज को। और इसकी उपाधियाँ क्या क्या हैं? गुज्जर प्रतिहारों की उपाधियाँ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वत्सराज को रणहस्तिना, जयवराह आदि नामों से जाना जाता है। और रणहस्तिना मतलब युद्ध के मैदान में हाथी के समान, ये इसकी उपाधि है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ओसिया जोधपुर में जो जैन मंदिरों का निर्माण है ये वत्सराज के समय हुआ था, वत्सराज ने इनका निर्माण कराया था, और ये निर्माण महामारू या भूमित शैली में कराया था। और अगर क्वेश्चन आ जाए गुज्जर प्रतिहारों की शैली कौन सी थी, ये शैली थी महामारू या भूमित शैली इसको कहा जाता है। तो ओसिया जोधपुर में जैन मंदिर का निर्माण वत्सराज के समय ही हुआ था। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, वत्सराज के दरबारी कवि कौन थे? उद्योतन सूरी। और इनके समय ही कुवलयमाला ग्रंथ लिखा गया था। उद्योतन सूरी का ग्रंथ कौन सा है? कुवलयमाला। वत्सराज के समय ही लिखा गया है, ये भी आप ध्यान में रखें। और कुछ समय के लिए मंडोर व मालवा की शाखाएँ एक हो गई थी, इन्होंने मंडोर जीत लिया था कुछ समय के लिए, तो कुछ समय के लिए मंडोर व मालवा की जो गुज्जर प्रतिहार शाखाएँ थी वो एक हो गई थी। मालवा मतलब ये भीनमाल शाखा हुई, कुछ समय के लिए वत्सराज के समय एक हो गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो गुज्जर प्रतिहारों के बारे में पूछा जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में, ये त्रिपक्षीय संघर्ष वत्सराज के समय ही स्टार्ट हुआ था। और ये त्रिपक्षीय संघर्ष है क्या? देखिए, जो ये भारत है, ये मान लीजिए भारत है, ये उत्तर पश्चिम में ये थे गुज्जर प्रतिहार अपने राजस्थान के, पूर्व में पाल राजवंश का शासक था, और भारत के दक्षिण में था
राष्ट्रकूट शासक, और सबसे बीच में जो पड़ता है ये कन्नौज। तो कन्नौज पर अधिकार के लिए जो तीन राजवंशों में संघर्ष चला था उसी को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना गया था, क्योंकि कन्नौज व्यापारिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण जगह थी। तो इस पर अधिकार के लिए जो तीन राजवंशों में संघर्ष चला था लगभग 150 वर्षों तक, इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना गया। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो राजवंश कौन कौन से थे? उत्तर पश्चिम जो गुजरात का क्षेत्र है वहाँ पर गुजर प्रतिहार, पूर्वी भारत में थे पाल शासक, और दक्षिण भारत में थे राष्ट्रकूट शासक। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में वत्सराज का क्या योगदान है ये भी देख लेते हैं। देखिए वत्सराज के समय कन्नौज का शासक कौन था? इंद्रायुद्ध। और पाल शासक कौन था? पाल शासक था धर्मपाल, और राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव या दरावर्ष। तो कन्नौज के शासक इंद्रायुद्ध को वत्सराज पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। इस बात को लेकर पाल शासक जो था धर्मपाल, इसके और वत्सराज के मध्य युद्ध होता है, और धर्मपाल को भी यह मुंगेर के युद्ध में पराजित कर देता है। कौन? वत्सराज। लेकिन वत्सराज स्वयं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव या दरावर्ष के हाथों पराजित हो जाता है, मतलब अंत में इसकी हार हो जाती है ध्रुव या दरावर्ष के हाथों, जो दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट शासक था। अगला जो महत्वपूर्ण शासक हुआ है गुज्जर प्रतिहार के बिनमाल शाखा का, ये था नागभट द्वितीय। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? चंद्रप्रभ सूर्य की जो पुस्तक है प्रभावक, उस पुस्तक से नागभट द्वितीय की जानकारी मिलती है। और इसकी प्रमुख उपाधियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि परम भट्टानक, महाराजा धीराज, परमेश्वर आदि नाम से किसको जाना जाता था? तो ये था नागभट द्वितीय, इसको जाना जाता है परम भट्टानक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, ये तीनों उपाधियाँ किसकी हैं? नागभट द्वितीय की। और इसके इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है, नागभट द्वितीय ने बीनमाल से कन्नौज अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, तो ऐसा कौन सा शासक जिसने राजधानी बीनमाल से कन्नौज बनाई थी? तो ये था नागभट द्वितीय। और बीनमाल राजधानी किसने बनाई थी ये हमने देखा था नागभट प्रथम ने, और बीनमाल से कन्नौज राजधानी बनाने वाला शासक कौन सा है? नागभट द्वितीय। और त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करें तो मंडोर के युद्ध में पाल शासक धर्मपाल को हराया था इसने, और ये धर्मपाल वही है जो वत्सराज के समय था, धर्मपाल को इसने भी हराया। लेकिन सेम वैसे ही राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के हाथों यह भी पराजित हो जाता है, पाल शासक को हरा देता है लेकिन राष्ट्रकूट शासक के हाथों यह भी पराजित हो जाता है गोविंद तृतीय के हाथों, और वत्सराज पराजित हुआ था ध्रुव या दारावर्ष के हाथों। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी कि ऐसा कौन सा शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी? तो नागभट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि ले ली थी, ये भी पूछा जा सकता है आपको। अगला जो मुख्य शासक है मिहिर भोज, इसकी उपाधियाँ कौन कौन सी हैं? आदिवराह, प्रभास पाटन, परम भागवत आदि नामों से मिहिर भोज को जाना जाता है। आदिवराह, प्रभास पाटन, परम भागवत, और इसने अपने जो पिता थे रामभद्र इनकी हत्या करके ये शासक बने थे, इसलिए इनको प्रतिहारों का पितृहंता भी कहा जाता है। मिहिर भोज को प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है क्योंकि अपने पिता रामभद्र की हत्या इन्होंने की थी, और ये वैष्णव धर्म का उपासक था और कट्टर इस्लाम विरोधी था, इस्लाम धर्म का विरोधी था और वैष्णव धर्म का उपासक था। और अगर बात करें त्रिपक्षीय संघर्ष की, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में अब तक तो हम देखते आ रहे हैं कि जो पाल शासक है उनको तो गुज्जर प्रतिहार हरा देते हैं, लेकिन राष्ट्रकूट शासक के हाथों पराजित हो जाते हैं। लेकिन मिहिर भोज ने पाल शासक को भी हराया, राष्ट्रकूट शासक को भी हरा दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, इसलिए त्रिपक्षीय संघर्ष में निर्णायक सफलता इसी के समय मिली थी त्रिपक्षीय संघर्ष में। और जो ग्वालियर प्रशस्ति है जिसमें गुज्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज बताया गया है, उस प्रतिहार का संबंध इसी मिहिर भोज से हैं, जो कहाँ है प्रशस्ति वो अभिलेख वो है ग्वालियर में। और देखिए जो अरबी यात्री सुलेमान था इसी के समय आया था, और अरबी यात्री ने इसको क्या बोला था? सुलेमान ने इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु या इस्लाम की दीवार, ये बात कही थी सुलेमान ने मिहिर भोज के बारे में, क्योंकि ये कट्टर इस्लाम धर्म के विरोधी था। ग्वालियर प्रशस्ति का संबंध इसी से है। और प्रथम प्रतिहार शासक जिसने राष्ट्रकूट शासक को भी पराजित किया था ये भी हमने देख लिया है। अगला शासक है महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम के बारे में एक ही बात बार बार पूछी जाती है कि इसके दरबारी कवि का नाम क्या था,
इसके दरबारी कवि का नाम था राजशेखर। और राजशेखर एक बहुत ही बड़ा विद्वान था। और राजशेखर ने जो महेंद्रपाल को उपाधियाँ दी हैं, कौन कौन सी उपाधियाँ दी हैं राजशेखर ने? रघुकुल तिलक, निर्भय नरेंद्र आदि उपाधि दी है महेंद्रपाल को। किसने? राजशेखर ने। रघुकुल तिलक, निर्भय नरेंद्र आदि नामों से अगर पूछ ले तो एग्जाम में आंसर होगा महेंद्रपाल प्रथम। और राजशेखर के प्रमुख ग्रंथों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके ग्रंथ कौन कौन से थे, तो ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास, प्रचंड पांडव, भुवन कोश, बाल भरत व बाल रामायण, विदुषाल भंजिका, ये सभी इसके ग्रंथ हैं। कौन कौन से? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास, प्रचंड पांडव, भुवन कोश, बाल भरत बाल रामायण, विदुषाल भंजिका। और ये जो कर्पूर मंजरी इसका ग्रंथ है अपनी पत्नी राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी के कहने पर इस ग्रंथ की रचना की थी कर्पूर मंजरी की। अगला महत्वपूर्ण शासक आता है महिपाल प्रथम। और महिपाल प्रथम के समय भी इनके दरबार में कुछ समय के लिए राजशेखर उपस्थित थे। और राजशेखर ने इनको भी कुछ उपाधियाँ दी हैं महिपाल प्रथम को। कौन कौन सी उपाधियाँ दी हैं? आर्यव्रत का महाराजा धीराज, रघुकुल मुकुटमणि आदि उपाधि किसने दी है? राजशेखर ने। किसको? महिपाल प्रथम को। और इसके समय कौन सा यात्री आया था? अरबी यात्री अल मसूदी आया था इराक के बगदाद से। देखिए अभी जो हमने यात्री देखा था सुलेमान यात्री आया था मिहिर भोज के समय, अरबी यात्री ये भी था। सुलेमान तो आया था मिहिर भोज के समय, लेकिन अल मसूदी आया था किसके समय? महिपाल प्रथम के समय। और अल मसूदी ने प्रतिहारों के लिए एक शब्द का उपयोग किया था अलगुजर। प्रतिहारों को तो अलगुजर कहा था। और प्रतिहार राजा के लिए वोरा शब्द का प्रयोग किया था। प्रतिहारों के लिए अलगुजर व प्रतिहार राजा के लिए वोरा शासक वोरा शब्द का प्रयोग किया था अल मसूदी ने। और इसका संबंध है अल मसूदी का इराक के बगदाद से। अगला महत्वपूर्ण शासक जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय कौन सा प्रतिहार शासक था? ये था राज्यपाल। और ये डर से मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के डर से भाग गया था। इसी से आहत होकर चंद्रेल जो राजा थे गंड व इसके बेटे विद्याधर ने मिलकर राज्यपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि ये मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के डर से राज्य छोड़कर भाग गया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुज्जर प्रतिहार का अंतिम शासक कौन सा था? अंतिम प्रतिहार शासक था यशपाल। गुज्जर प्रतिहार शासक अंतिम कौन था? यशपाल। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। अंतिम प्रतिहार शासक यशपाल था। और इसको कन्नौज के गढ़वाल वंश के जो चंद्रदेव था उसने इसको मार के कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और गढ़वाल वंश की नींव रखी थी। यह तो हो गया मेरे महत्वपूर्ण शासक गुज्जर प्रतिहार के। और दो तीन जो बातें महत्वपूर्ण जो मुझे लगी वो भी देख लेते हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट कुक या कुकुक ने मंडोर में विजय स्तंभ की स्थापना कराई जो राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ था। देखिए पहला विजय स्तंभ तो भरतपुर में किसने बनाया था? समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया था। दूसरा विजय स्तंभ कुक के द्वारा विजय स्तंभ मंडोर में बनाया गया था। और तीसरा विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ जो राणा कुंभा ने बनवाया था। सेकंड पॉइंट है वल्ली प्रबंध लेख की रचना जीनसेन सूरी की, हरिवंश पुराण की रचना ये दोनों वत्सराज के समय की हैं। वल्ली प्रबंध लेख की रचना व जीनसेन सूरी की जो है हरिवंश पुराण की रचना ये दोनों हैं वत्सराज के समय की। थर्ड पॉइंट है मंडोर शाखा का शासक कक नागभट सेकंड का संबंध था जिसने बंगाल के धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। देखिए जो मंडोर का शासक था कक और ये भीनमाल का शासक है नागभट सेकंड, इसका संबंध था। और त्रिपक्षीय संघर्ष में बंगाल के जो धर्मपाल हैं उसके विरुद्ध युद्ध किया था नागभट सेकंड ने, इसने कक ने इसमें भाग लिया था। तो दोस्तों ये थे गुज्जर प्रतिहार के संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और इसके बाहर प्रश्न बनने की संभावना काफ़ी कम रहती है, हमेशा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।